हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड के इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 5, मीता गेट्स हर टर्न। तो स्टूडेंट्स, हम लोग हमेशा पार्क में जाते हैं, है ना। आप लोग भी जाते होंगे पार्क में खेलने के लिए, साइकिलिंग करने के लिए, अपने दोस्तों के साथ अलग अलग स्विंग्स में झूला झूलने के लिए, है ना। तो जैसे ये भी एक पार्क का सीन है। यहाँ पर एक बच्चे मुस्कुरा रही है, ठीक है। इसके अलावा मुस्कुरा नहीं रही है, अपनी फ्रेंड की चोटी खींच रही है और ये बेचारी गुस्सा हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर दो बच्चे हैं, ये भी आपस में लड़ रहे हैं। तो क्या पार्क में हम क्या करते हैं अपने दोस्तों के साथ, यही यहाँ पर हम जानेंगे कि किस तरीके से दो फ्रेंड्स हैं जिनका नाम है मीता और रितु, और वो भी पार्क में खेलने गए हैं। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मीता एंड हर फ्रेंड रितु वर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। मीता और उसकी दोस्त रितु दोनों ही प्लेग्राउंड में खेल रहे थे। दे वर सपोज टू बी टेकिंग टर्न्स ऑन द स्विंग। उनको जब वो खेल रहे थे तो उनको जो अपना स्विंग था, जिसको हम झूला बोलते हैं हिंदी में, उसमें उन दोनों को ही टर्न बाय टर्न झूला झूलना था। मीता काउंटेड 200 वाइल रितु वॉज ऑन द स्विंग। मीता ने 100 तक गिनती गिनी, ठीक है, जब रितु जो थी वो स्विंग में झूला झूल रही थी। रितु डिड नॉट गेट ऑफ द विंग। और 100 तक गिनने के बाद भी रितु जो थी वो झूले से हट नहीं रही थी। रितु, आई काउंटेड 200, इट्स माई टर्न, सेड मीता। मीता कहती है कि रितु, अब मैंने 100 तक गिन लिया है, तुम्हारी जो चांस है अब वो ख़त्म हो गई है, अब मेरी बारी है। यू काउंटेड टू फास्ट, इट्स स्टिल माई टर्न, रितु सेड। रितु कहती है तुमने बहुत जल्दी जल्दी गिना था, अभी तो मेरी ही टर्न चल रही है। मीता वॉज अपसेट, शी वॉन्टेड अ टर्न ऑन दी स्विंग टू। अब मीता जो थी ये बात सुन करके बहुत ज़्यादा अपसेट थी, वो भी चाहती थी कि उसकी भी बारी आए झूला झूलने की। वॉट कुड शी डू, अब वो इसके लिए क्या कर सकती थी, वो यही सोचने लगी। मीता कुड टेल द टीचर, बट हर टीचर ऑलवेज वॉन्टेड दैम टू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम फर्स्ट। मीता चाहती तो वो अपनी टीचर को बता सकती थी कि मैम ये मेरे को खेलने नहीं दे रही है, पर जो उनकी टीचर थी उन्होंने सभी बच्चों को ये बताया हुआ था कि अपनी प्रॉब्लम का सबसे पहले हमें खुद से सॉल्यूशन निकालना चाहिए। वॉट शुड शी ट्राई, वॉट कुड शी ट्राई, अब वो क्या ट्राई कर सकती थी। शी डिसाइडेड टू ट्राई यूजिंग आई मैसेज। फिर मीता ने डिसाइड किया कि वो आई मैसेज को इस्तेमाल करेगी। अब ये आई मैसेज क्या है, हम आगे जानेंगे। दैट मीन्स टू टेल द अदर पर्सन हाउ यू आर फीलिंग, वाई यू फील दैट वे एंड वॉट दे कैन प्लीज टू डू मेक इट बेटर। तो आई मैसेज का मतलब है कि हम आई मैसेज का इस्तेमाल करके सामने वाले बंदे को दिखा सकते हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं, ठीक है, कैसी फीलिंग्स आ रही हैं हमारे अंदर, और सामने वाले इंसान को क्या करना चाहिए उन्हें बेटर फील कराने के लिए। यही आई मैसेज का मतलब है। रितु, आई फील सैड बिकॉज वी वर सपोज टू टेक टर्न्स आफ्टर 100 seconds, विल यू प्लीज़ गेट ऑफ, मीता आस्ट। फिर मीता ने आई मैसेज का इस्तेमाल किया, उसने बोला रितु को कि रितु मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है बिकॉज हमें 100 seconds के बाद अपने अपने टर्न्स को चेंज करना था, यानी जब तुम झूल चुकी थी फिर मेरी टर्न थी 100 seconds के बाद, है ना, और तो क्या तुम इस स्विंग से, इस झूले से हटोगी। फाइनली रितु गॉट ऑफ द स्विंग, और फाइनली अब जो रितु थी वो उस स्विंग में से उतर जाती है। मीता वॉज हैप्पी बिकॉज शी सॉल्व्ड हर प्रॉब्लम ऑल बाय हरसेल्फ। और मीता अब खुश थी कि उसने अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद से ही निकाल लिया है। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर का एंड था। आई होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। वॉट वर मीता एंड रितु डूइंग इन द प्ले ग्राउंड। मीता और रितु प्ले ग्राउंड में क्या कर रहे थे। तो मीता एंड रितु वर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड। तो मीता और रितु जो थे वो प्ले ग्राउंड में खेल रहे थे। वॉट वुड हैपन आफ्टर मीता काउंटेड 200। जब मीता 100 तक काउंट कर लेती तो उसके बाद क्या होना था। तो क्या होना था, बारी चेंज होनी थी, है ना, टर्न्स लेने थे उन्हें। तो आफ्टर मीता काउंटेड 200 दे वर सपोज्ड टू स्विच टर्न्स ऑन द स्विंग। 100 तक काउंटिंग करने के बाद उन्हें स्विंग्स में स्विच करना था, यानी बारियाँ बदलनी थी।
Why was Meeta upset? Meeta क्यों upset थी? Meeta was upset because Ritu did not get off the swing even after she counted to 100. Meeta इसलिए upset थी क्योंकि Ritu जो थी वो swing से उतर ही नहीं रही थी जबकि Meeta ने 100 तक counting भी पूरी कर ली थी. Why did Meeta not tell her teacher? Meeta अपनी teacher को ये बात क्यों नहीं बताती है? क्यों नहीं बताती है? क्योंकि उनकी teacher उन्हें बोलती थी कि सबसे पहले आप अपने problems का खुद से solution निकालो, है ना? तो यहाँ पर भी answer ऐसे ही लिखा जाएगा. Meeta did not tell her teacher because the teacher encouraged them to try to solve problems themselves first. तो Meeta ने अपनी teacher को इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उनकी teacher उन्हें encourage करती थी कि अपनी problem का solution उन्हें खुद से ही सबसे पहले ढूंढ के निकालना चाहिए. What message did Meeta decide to try? अब Meeta ने क्या message decide किया था try करने का कि जिससे Ritu जो है उस swing से नीचे उतर जाए, तो उसने decide किया था I message का. तो इसका answer हो जाएगा Meeta decided to try using an I message to express her feelings and request Ritu to get off the swing. Meeta ने आई मैसेज का इस्तेमाल किया था अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए और Ritu को रिक्वेस्ट करने के लिए कि वो अब झूले से उतर जाए. डिड द मैसेज वर्क फॉर Meeta? क्या Meeta के ऐसा करने पर Meeta को जो Meeta मैसेज कन्वे करना चाह रही थी वो सक्सेसफुल हो गया था? तो हाँ, येस, द मैसेज वर्कड फॉर Meeta. तो जो आई मैसेज था वो Meeta के लिए काम कर गया था. Why was Meeta happy? Meeta क्यों happy थी? Meeta was happy because she successfully solved her problem and got her turn on the swing. Meeta इस खुश थी क्योंकि उसने अपने problem का solution successfully निकाल लिया था और अब उसकी बारी आ गई थी झूला झूलने की. अब आते हैं reference to context पर. You counted too fast. It's still my turn. तो you counted too fast का meaning हो गया तुमने बहुत जल्दी जल्दी गिना है, ये तो अभी भी मेरी ही turn चल रही है. ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी Ritu ने, है ना? किससे कही थी? Meeta से कही थी. तो आइए अब इसके question कर लेते हैं. Who said this? ये किसने कहा था? ये कहा था Ritu ने. To whom did the person say this? अब ये जो Ritu ने बात कही थी किससे कही थी? तो Ritu said this to Meeta. तो Ritu ने ये बात Meeta से कही थी. आगे चलते हैं. Why was the other person counting? तो जो other person थी यानी जो Meeta थी वो counting क्यों कर रही थी? क्यों कर रही थी? क्योंकि वो दोनों खेल रहे थे swing में और उन दोनों ने फैसला किया था कि 100-100 बार तक दोनों counting करेंगे और उसके बाद turns change करेंगे, है ना? तो यहाँ पर answer हो जाएगा the other person was counting as part of their agreement to take turns on the swing. तो other person counting कर रहा था क्योंकि उनको swings में turns जो थी अपनी वो change करनी थी. Will you please get off? क्या तुम इस झूले से नीचे उतरोगी? Who said this and to whom? ये किसने कहा था और किसे कहा था? तो Meeta said this to Ritu. Meeta ने ये बात Ritu से कही थी. Where was the person sitting? अब ये जो person था ये कहाँ बैठा हुआ था? तो Ritu was sitting on the swing. Ritu swing पर यानी झूले पर बैठी हुई थी. Why did the person tell her to get off? ये Meeta ने Ritu को क्यों कहा था हटने के लिए? क्योंकि अब Meeta की बारी थी झूला झूलने की, है ना? तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा Meeta told Ritu to get off because it was her turn on the swing. Meeta ने Ritu को उतरने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि अब उसकी बारी थी झूले में बैठने की. तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड था. आई होप आप सभी को इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी. आपने क्वेश्चन आंसर्स इसके नोट डाउन कर लिए होंगे. तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने सभी क्लासमेट्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें. थैंक यू.